दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मोहब्बतें फिल्म में नजर आई अदाकारा किम शर्मा संजना का किरदार निभाती हुई नजर आई थी, जो अपनी खूबसूरती से सभी दर्शकों के दिलों को जीत ले गई थी, और इसी वजह से आज किम शर्मा किसी पहचान की मोहताज नहीं है। लेकिन दोस्तों, इनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में तो आप काफी कुछ जानते होंगे, पर क्या आप इनके पर्सनल लाइफ के बारे में जानते हैं कि इनका अब तक किन किन अभिनेताओं के साथ अफेयर रह चुका है और किस कारणवश उनके साथ रिश्ता टूट चुका है? नहीं ना, तो इसलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको इस सवाल का जवाब देने वाले हैं। तो देर किस बात की, चलिए वीडियो स्टार्ट करें और जानें कि किम शर्मा के अफेयर के बारे में। नंबर वन, युवराज सिंह। सबसे पहले बात करते हैं युवराज सिंह के बारे में। जी हां, क्रिकेटर युवराज सिंह का अफेयर किम शर्मा के साथ रह चुका है। ये बात साल 2003 की है और इसी साल इन दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया था और इन दोनों का रिलेशनशिप तकरीबन 4 सालों तक चला था। इसके बाद इनका ये प्यारा सा रिश्ता टूट गया था, जिसकी वजह ये बताई जाती है कि इन दोनों के बीच मनमुटाव हो गया था। नंबर टू, अली पुंजने। बता दें कि युवराज सिंह से ब्रेकअप के बाद खबरें आई कि किम ने केन्या में रह रहे बिजनेसमैन अली पुंजाने से शादी कर ली। हालांकि रिश्ता 6 साल के बाद खत्म हो गया, जिसकी वजह बताई जाती है इन दोनों की आपस में जम नहीं रही थी और दोनों की अंडरस्टैंडिंग पावर भी बेहद कमजोर थी। नंबर थ्री, अर्जुन खन्ना। चलिए बात करें अर्जुन खन्ना के बारे में, जिन्हें किम के साथ कई पार्टी वगैरह में देखा गया और इस जोड़ी को देखकर लोगों का यही कहना था कि ये कितनी अच्छी जोड़ी है और इन दोनों को एक दूसरे के साथ शादी कर लेनी चाहिए। और इसी वजह से एक समय पर दोनों की रिलेशनशिप की खबरें खूब चली थी, पर अफसोस इनका ये रिश्ता बहुत ही जल्द टूट गया। नंबर फोर, हर्षवर्धन राणे। अर्जुन से ब्रेकअप के बाद किम शर्मा ने अभिनेता हर्षवर्धन राणे को डेट करना शुरू कर दिया था और ये दोनों एक दूसरे के साथ कई बार स्पॉट भी किए जा चुके थे और इस प्यारी सी जोड़ी को देखकर सभी दर्शक ही समझने लगे थे कि ये दोनों जल्द ही शादी कर लेंगे, पर इनके साथ भी इनका रिश्ता अचानक ही टूट गया। नंबर फाइव, अमित साध। किम शर्मा के साथ एक और नाम जुड़ा था और वो था अमित साध का, जिनके बीच भी हमें ढेर सारे रोमांस और नोकझोंक वाली बॉन्डिंग सुनने को मिली थी। जब इन दोनों से इस रिश्ते के बारे में पूछा गया तो इन दोनों ने इन सब बातों को गलत करार करके अफवाह बताया, लेकिन दोनों की नजदीकियों से ये साफ पता चलता था कि दोनों के बीच दोस्ती से ज्यादा काफी गहरे रिश्ते थे। नंबर सिक्स, लिएंडर पेस। इस लिस्ट की आखिरी कड़ी में लिएंडर पेस का नाम शुमार है, जो 38 साल की उम्र में किम शर्मा के इश्क में गिरफ्तार नजर आ रहे हैं। जिस तरह से दोनों साथ में दिखाई देते हैं, उससे दोनों के रिलेशनशिप की खबरें साफ हो गई हैं और अब देखना होगा कि ये रिश्ता आखिर कितने लंबे वक्त तक टिकेगा। तो दोस्तों, आपका अभिनेत्री किम शर्मा के लव अफेयर के बारे में जानकर क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।